समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक अशिष्ट व्यक्ति यानी जिसके पास शिष्टाचार का कोई अनुभव नहीं था, वो वहां से गुजरते वक्त गौतम बुद्ध पर बहुत गुस्सा करता है, उनका अपमान करने लगता है और कहता है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम भी दूसरों की तरह मूर्ख ही हो, तुम एक ढोंगी इंसान हो जो अपने बेकार के प्रवचन से लोगों को मूर्ख बनाते हो। ऐसे वो आदमी बहुत सारी गालियां और भी निकाल रहा था। गौतम बुद्ध उसके अपमान से परेशान नहीं होते हैं, इसके बजाय उन्होंने उस अशिष्ट व्यक्ति से पूछा, प्रिय मित्र मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु है जो तुम किसी और को देना चाहते हो लेकिन वो उसे लेता नहीं है, तो वो वस्तु अब किसके पास रहेगी? तो उसने कहा कि वो वस्तु मेरे पास ही रहेगी। प्रिय मित्र तुमने मुझे जो गालियां दी, अशिष्ट व्यवहार किया, मेरे पर गुस्सा किया, बहुत बुरा भला बोला, मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उन सारी गालियों को नहीं ले रहा हूं, मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूं, तो अब ये किसके पास रहेगी? वो कह रहा है मेरे पास रहेगी। इससे उस व्यक्ति को बात समझ में आ जाती है और गौतम बुद्ध इससे ये बहुत बड़ी सीख दे देते हैं कि अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहते हो तो आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। जैसे मान लीजिए आपको ही कोई कहता है कि आप तो गधे हैं, या मुझे कोई कहता है कि आप गधे हैं और मैं तुरंत उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता हूं, दैट मींस मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गधा ही हूं, तभी मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं। आपको कोई कहे या मुझे कहे कि आप मूर्ख हैं और हम उससे बहस करने लगते हैं, दैट मींस हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम मूर्ख हैं। प्रिय साथियों, किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी की गाली देने से आप एक्सेप्ट मत करिए, आप उस गाली को मत लीजिए, तो वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाएगी और आपके दिल पर बोझ नहीं रहेगा, कोई टेंशन डिप्रेशन परेशानी नहीं रहेगी और प्यार और मोहब्बत से आप अपना जीवन जी पाएंगे। प्रिय साथियों, गुस्से में आकर किसी को गाली गलौज देना भी गलत बात है। समय है, बदलते वक्त नहीं लगता है।